मेरा बना क्या ऐसे चक्कर तो यार, पता नहीं किस वजह से, क्या चक्कर हुआ? ऐसे तो कुछ खाया भी नहीं। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू अस हियर हियर। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस बोथ ऑफ अस। तो आज हमारे पापा की तरह वैवाहिक जीवन की 11वीं वर्षगांठ है, तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर प्लीज़ ज़रूर बरसाएं। थैंक यू सो मच। जब आप बरसाएंगे एडवांस में ही बोल दें। तो यस, आज है हमारी 11th वेडिंग एनिवर्सरी, और जैसा सोचा था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सुबह से काफ़ी कुछ सोचा था कि हाँ ये बनाएंगे वो बनाएंगे, बट क्या बनाया? खिचड़ी। और क्यों बनाई? क्योंकि सिर में इतना दर्द, लाइक सुबह उठी, सुबह उठ के चाय पी, सुबह के बर्तन कर दिए, एवरीथिंग, बट सडनली एकदम से इतना ज़्यादा दर्द शुरू हुआ ना, ओ माय गॉड। मतलब 3 बार तो वॉमिटिंग हुई मुझे, और वो एसिड भी। और कल रात क्या खाया था हमने? दाल दाल रोटी खाई। ऐसा नहीं कि कुछ हमने कबाब भी 4-5 दिन पहले बना के खाए। पिछले 3 दिन से तो कुछ ऐसा भी नहीं कि चलो हमने कुछ फ्राइड भी खाया, लाइक शैलो फ्राइड भी खाया या पराठा भी खाया हो, नथिंग। पता नहीं किस वजह से क्या हुआ, और इतनी बुरी हालत भाई। ये संडे एसिड है। संडे ऐसे पता नहीं, 4 बजे तो मैंने शावर लिया है, 4 बजे शावर लेके फिर थोड़ा बाल वाल बनाए, सूट पहना, नहीं तो सुबह से वही नाइट सूट में। फ़ोन पे नहीं बात हो पा रही थी किसी से भी, जैसे बात कर रही थी ऐसे लाइक बैंग ऑन सिर में ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो व्लॉग भी इसीलिए नहीं शुरू किया क्योंकि ना तो कुछ किया, और फिर हालत ही बड़ी अजीब सी हो रही थी। अब भी बल्कि ये था कि रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, और फिर सोचा कि लाइक आप लोग तो देखते ही हैं व्लॉग, मेरे लिए भी मेमोरीज मेरी जो है वो सेव हो जाती हैं। ठीक है, आज वाली एनिवर्सरी जो है वो सर के दर्द वाली थी, बट कोई बात नहीं, इसको भी याद रख लेंगे। तो 11th एनिवर्सरी, और हमने क्या सोचा था, 11th एनिवर्सरी का हमारा बहुत बड़ा एक प्लान था, हमें अपना एक इंग्लिश वेडिंग फ़ोटोशूट करवाना था, बट थैंक यू सो मच कोरोना वायरस जिसने सारे प्लान की धज्जियाँ उड़ा दी। कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे, एनिवर्सरी तो हर साल आनी है, तो अगले साल कर लेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पे चाय टाइम हो रहा है, और वहाँ है अद्वी, खड़े होके दिखाओ। और मैं तो अब नहा धो के तैयार हुई हूँ, अद्वी जो है वो सुबह से एनिवर्सरी के लिए तैयार है, ये देखो कुछ तो वो सुबह से तैयार है, अभी भी है, सर में दर्द पूरा गया नहीं है। शाम को देखते हैं क्या बनाएंगे, सोचा कुछ और था बट लाइक कोफ्ते सोचे थे, बट फ्राइड कुछ नहीं बनाऊंगी, कभी नो एसिड ज़्यादा ही हो जाए तो। क्या चला दिया शोना? अभी नो कुछ नहीं, तो बस अभी चाय पियेंगे, बैठेंगे, फिर देखते हैं जो भी बनाते हैं। हाँ, केक मैंने बना दिया था, केक मैंने कल बना के रख दिया था, तो उसकी रेसिपी ज़रूर मैं इस व्लॉग में ऐड कर दूंगी आप लोगों के साथ। लाइक आज तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी, बट कल परसों जब भी कर पाऊँगी तो शायद डिले हो जाए थोड़ा बहुत ये व्लॉग, तो उस केक का मैं इस व्लॉग के अंदर ऐड कर दूंगी। बाकी जो खाने का होगा, अगर ज़्यादा लंबा ना हुआ तो आई विल सी के क्या बनाना है, शेयर करने लायक है नहीं है, बट केक की रेसिपी आपको ज़रूर इस एनिवर्सरी वाले व्लॉग में मिल ही जाएगी। खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी वाली खिचड़ी एनिवर्सरी खिचड़ी तो खा ली दोपहर, एक बार और एक बार खाएंगे। और हाँ दोपहर काली दाल की थी, शाम को मूंग की दाल की बना लेंगे, कभी खिचड़ी कभी खिचड़ी भी खानी एनिवर्सरी। चाहिए ना बेटा। नो नहीं अजय, नो, उसने एक टाइम तो खा ली खिचड़ी, तो अच्छी लाइक नो 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 देन व्हाट? केक तो खा ही लेंगे, केक खा लेंगे। चलिए तो अभी चाय पी लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे फिर जल्दी से।
तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने 2 कप दूध लिया है, जिसको मैंने एक मग के अंदर डाल लिया है। और ये रूम टेम्परेचर पर है, ये ना तो गर्म होना चाहिए और ना ही फ्रिज का निकला हुआ होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे हो। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने वाइट विनेगर ऐड कर दिया है और इसको बस हम साइड पे रख देंगे, हमारा बटर मिल्क जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और वेट इन्ग्रीडियंट्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है मेल्टेड बटर, रूम टेम्परेचर का है ये, काफ़ी सॉफ्ट है और इसको गर्म करके नहीं लेना है, बस आप इसको निकाल के रख दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, तो काफ़ी सॉफ्ट बटर है। इसके बाद इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ 1/2 कप ऑयल, तो ये 1/4 कप का मेजरमेंट वाला था तो मैंने इसको 2 बार भर के ले लिया है। तो यहाँ पर हमारा 1/4 कप बटर है और 1/2 कप जो है ऑयल हो गया है। इसके साथ ही 1/3 कप मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर है 1 कप कंडेंस्ड मिल्क। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ ना करें तो आपको दूध की क्वांटिटी 1/2 कप और बढ़ा देनी है और शुगर की जो क्वांटिटी है वो आपको डबल कर देनी है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। बाकी अगर कंडेंस्ड मिल्क हो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे जा चुके हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से विस्क करना है जब तक कि ये बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर ना हो जाए और सारी चीज़ें बिल्कुल यकजान ना हो जाए, बटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। तो रिग्रसली इस टाइम पर आपको इसको विस्क करना है। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी इससे भी आराम से हो ही जाता है। हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं और 2-3 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से बन के क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है और अब हम जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छलनी ली है जिसके अंदर मैं 2 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो व्हीट फ्लार भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसके अंदर मैदा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आते हैं और टेस्ट भी एनहेंस होता है। तो 2 कप यहाँ पर मैदा गया है। इसके बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर डाला है बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है बेकिंग सोडा। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से छान लेना है ताकि कोई गुठली ना हो इसके अंदर और अच्छा सा एरेशन इसके अंदर हो जाए। तो ये सारे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट इसके अंदर चले गए हैं। इसके बाद आपको इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा रिग्रेसली नहीं करना है, कट एंड फोल्ड वाला मेथड यूज़ करना है। अगर आप इस टाइम पर बीटर का या विस्कर का यूज़ करेंगे तो जितनी भी एयर अंदर बनती है ना तो वो सारी की सारी निकल जाएगी और आपका जो केक है वो बिल्कुल फ्लैट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे जा चुके हैं, वेट जा चुके हैं, और जो हमने बटर मिल्क बना के तैयार किया था उसको आपको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है 1-2 बार में और इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए जाना है। मेक श्योर कि आपके बैटर में कोई भी लंप ना हो, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इसको चलाते रहें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल स्मूथ सा बैटर यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। एट लास्ट इसके अंदर हम जो है वनीला एक्सट्रैक्ट या फिर वनीला एसेंस जो होता है वो ऐड कर देंगे। ये अपने टेस्ट के हिसाब से है कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है। मैंने लगभग यहाँ पर 1.5 टीस्पून के करीब ऐड किया होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा केक आज बना रही हूँ। मेजरमेंट से आपको पता लग ही गया होगा कि एक बड़े केक की सारी मेजरमेंट है। इसको अच्छे से जो है वो आप यहाँ पर मिक्स कर लें। तो ये हमारा वनीला केक का जो बेस है वो बन के तैयार है। इसके बाद आप चाहें तो इस वाले केक को अवन के अंदर बेक कर सकते हैं। टिन को जो है वो अच्छे से लाइन कर लें आप और 160 डिग्री सेल्सियस पर 20-25 मिनट में आपका जो है केक है मिडिल शेल्फ पर बेक होके तैयार हो जाता है। लेकिन आज मैं बिना अवन के बना रही हूँ तो इसीलिए मैं आपको वो वाला प्रोसेस दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो केक बैटर था उसको मैंने 6 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है, बोल्स में डाल लिया है। और यहाँ पर है मेरे पास ये जेल कलर जिनकी एक एक ड्रॉप ही जो है वो बहुत ज़्यादा इनफ होती है। तो मेरे पास 3 प्राइमरी कलर हैं, येलो,
रेड एंड ब्लू। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी बचपन की क्लास चलती है कि दो कलर मिलाने से एक अलग रंग बन जाता है, तो यहाँ पर मैं वही करने वाली हूँ। तो तीन मेरे पास बेसिक कलर है, इसके बाद इनको मिक्स करके मैं बाकी के कलर मिलाऊंगी। लाइक आप रेड एंड येलो मिलाकर जो है वो ऑरेंज कलर बना सकते हैं, रेड और ब्लू मिलाकर आप पर्पल वॉयलेट कलर जो है वो बना सकते हैं, और ग्रीन बनाने के लिए आपको येलो और ब्लू को मिक्स करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है मैं यहाँ पर सारे कलर्स जो हैं वो बनाकर तैयार करूँगी। और एक दो बार ऐसा हुआ है कि जो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया, हालांकि बिल्कुल एक ड्रॉप ही जो है वो मोर देन इनफ होती है, काफ़ी वाइब्रेंट और ब्राइट कलर आते हैं। इसके बाद आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें ताकि कलर जो है वो इवनली आपके बैटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हमारे रेनबो के बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स जो हैं वो बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे कलर जो हैं वो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, और ये रेड और ऑरेंज जो है वो कैमरा में थोड़ा लाइक काइंड ऑफ सेम ही लग रहा है, बट ये डिफरेंट कलर हैं। तो जो केक है हमारा आज का वो हम पैन में बनाने वाले हैं। तो मैंने सबसे छोटे चूल्हे को ऑन किया है और उसको भी मैंने बिल्कुल सिंपे कर दिया है। नॉन स्टिक मैंने यहाँ पर पैन लिया है और मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी तो मैंने बड़े साइज़ का लिया। अगर आपको छोटा बनाना है तो फिर लेयर्स इतनी सारी हैं कि वो बहुत ऊँचा हो जाता है केक, तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो इससे छोटे पैन में भी बना सकते हैं। तो ऑयल डाल के मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद एक बोल का जो कलर वाला बैटर है हमारा वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, हल्का से इसको चलाऊंगी ताकि चारों तरफ ये अच्छे से फैल जाए, और बिल्कुल सिम हीट पर हमें इसको कवर करके रख देना है। और एक बार का जो केक है वो सिकने में 4 से 5 मिनट आराम से लग जाते हैं दोनों तरफ से। बीच बीच में आपको करना क्या है कि लिड के ऊपर स्टीम इकट्ठी होती जाती है, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में लिड हटा के उसे स्टीम को क्लीन करना है लिड के ऊपर से, नहीं तो वो साइड में पानी गिरेगा लिड से और आपका जो केक है वो साइड से सौगी हो जाएगा। तो इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको लिड को क्लीन करते जाना है, और जब केक एक तरफ से सिक जाए वो आपको पता लग जाएगा, बबल्स आने लगेंगे, वो ऊपर से स्टिफ सा लगने लगेगा, तब आपको इसको टर्न कर देना है। आप चाहें तो दूसरी तरफ से चाहे ना भी सेकें, वो पक जाता है, बट आई एम लाइक के कहीं कच्चा ना रह जाए, तो इसीलिए मैं दोनों तरफ से सेकती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने दूसरा बैटर जो है वो भी डाल दिया है, कवर करके इसको भी मैं कर लूँगी। और बिल्कुल मेक श्योर के प्लीज़ जो हीट है वो बिल्कुल कम रखें, नहीं तो फिर ये जल जाएगा और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा है मेरा वो भी बन के तैयार हो गया, इसको भी मैं फ्लिप कर दूँगी, और बहुत आसानी से छूट जाता है अगर आप अच्छी क्वालिटी का नॉनस्टिक पैन यूज़ करते हैं। तो बाकी आप चाहें तो इसको अलग अलग ट्रेज में डाल के जो है वो भी बेक कर सकते हैं, या अलग अलग, अब जैसे मैंने दो पैन में जो है इसको बेक कर रही हूँ, मैं इस तरह से पका रही हूँ, नहीं तो फिर एक घंटा ही लग जाता है पूरे केक को इस तरह से पकने में, और इतनी देर तक अगर बैटर रखा रहता है तो फिर उसका भी एरेशन निकल जाता है। तो बस यहाँ पर मैं इसी तरह से अपना जो केक है वो बना के तैयार कर लूँगी। तो जितने भी केक थे वो मैंने सारे तैयार कर लिए और अब वो ठंडे हो चुके हैं अच्छे से। इसके बाद इनको इक्वल शेप देने के लिए मैं इनको कट कर रही हूँ ताकि ये सारे के सारे एक ही साइज़ के रहें, और जो किनारे बच रहे हैं इनका भी हम बाद में यूज़ करने वाले हैं तो इनको थ्रो नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक लिड की हेल्प से, अगर आपके पास कटर हो बड़े वाला या किसी भी शार्प कोने वाली आपके पास कोई प्लेट या थाली हो तो आप उससे कट कर लें। तो सारे केक जो है वो मैंने इक्वल साइज के कर लिए हैं, और इसके बाद बस अब हम इसको डेकोरेट करना शुरू करते हैं। तो आप लगा लें जो भी कलर आपको कॉम्बिनेशन जैसे भी रखना है उस हिसाब से एक केक रखें, उसके ऊपर शुगर और वाटर का एक आप मिक्सचर बना लें थोड़ा लिक्विडी सा, और वो उसके ऊपर आप लगा दें थोड़ा, और फिर व्हिप्ड क्रीम आप लगानी शुरू करें। व्हिप्ड क्रीम कैसे बनाई जाती है ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर चेक कर लें।
और केक को बस इस तरह से आपको डालते जाना है, उसके ऊपर सिरप थोड़ा सा लगाते जाना है। सिरप से जो केक है वो और ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है और काफ़ी दिन, लाइक अगर आप इस केक को 2 या 3 दिन तक भी रखेंगे फ्रिज में तो ये ड्राई नहीं होगा, ये बहुत अच्छा फ्रेश का फ्रेश रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसकी लेयर्स बना रही हूँ और मैं एक भी स्टेप यहाँ पर मिस नहीं कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी खूबसूरत इसकी लेयरिंग हो रही है। तो मैंने इसीलिए इनको थोड़ा सा पतला बनाया है और बड़े पैन में बनाया है। आप चाहें तो छोटे पैन में बनाएं तो फिर इसकी जो थिकनेस होगी वो और भी ज़्यादा होगी और आपका काफ़ी ऊंचा केक बन के तैयार होगा। सो एंटायरली अप टू यू कि आप किस तरह से करें, क्योंकि मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक आप लोगों को जो दिखाया था जब हमारे चैनल की 2nd एनिवर्सरी थी, तो उसमें मैंने छोटे वाला पैन यूज़ किया था और उसमें जो थी थिकनेस काफ़ी थी। तो आप चाहें तो उस उतने साइज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी परफेक्ट है। बट फॉर टुडे आई चोज दिस वन। यहाँ पर केक को मैंने अच्छे से चारों तरफ से कवर कर लिया है और मैंने वो क्रम्स बना लिए हैं जो मैंने आपको दिखाए थे कि साइड्स बचेंगी उन केक की, उनका हम बाद में यूज़ करेंगे, तो उनको मैंने क्रम कर लिया है। और इसके बाद साइड्स पे केक की हम इनको लगाते जाएंगे रैंडम ऑर्डर में, ताकि साइड से भी हमें जो है वो ब्यूटीफुल सा एक रेनबो देखने को मिले। एंड आई नो इसके अंदर रेनबो के सारे 7 कलर्स नहीं हैं, सिर्फ 6 कलर्स हैं, बट इट इज़ लाइक ए क्रिएशन। तो आप जैसे चाहें, आप चाहें तो पुसारे के सारे 7 कलर भी और उनको प्रॉपर एक ऑर्डर में भी रख सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। मैंने बस रेनबो कलर्स इसके अंदर ऐड किए हैं, ना तो एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो किया है, बस ऐसे ही कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ क्रम्स लगा लिए, इसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी जो एजेस हैं वो इसकी स्मूद लगे, नीचे की ज़्यादा वैसी ना लगे। तो बहुत ही अच्छा सा, लाइक बहुत सिंपल है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। लाइक बड़ों को तो पसंद आता ही है, लेकिन बच्चों के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होते हैं। और मुझे ये केक अद्वी के बर्थडे पर बनाना था बट दैट टाइम हो नहीं पाया, तो ये आज बनाया है केक एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। तो साइड्स में भी मैंने इसमें डिज़ाइन बना दिया है और उसके बाद थोड़े से क्रम्स जो हैं वो ऊपर मैं इस तरह से डाल रही हूँ ताकि ऊपर भी थोड़ा सा रेनबो का इसके अंदर लुक आ जाए। और इसके बाद इनको हल्का सा आपको मिक्सअप कर देना है, तो मैंने पहले एक एक कलर डाला है, उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, एक दूसरा कलर उनके ऊपर डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा इफेक्ट आए, देखने में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। टेस्ट में तो ये है ही लाजवाब, बस ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। और फिर एक एक छोटा छोटा फ्लावर्स जो है मैंने वो उसके ऊपर भी बना दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा केक है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो लुक वाइज प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और जब भी आप बनाएं तो मेरे साथ पिक्चर्स ज़रूर शेयर करें और फिर आप मुझे टेस्ट ज़रूर बताना कि इसका कैसा टेस्ट आया है। आई एम श्योर अच्छा बनेगा अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स इसके फॉलो करेंगे जो मैंने बताए हैं। ज़रा सा भी इधर उधर मत करना, क्योंकि बेकिंग में एक चीज़ इधर की उधर सब कुछ ख़राब कर देती है। और जो क्रम्स बाकी के बच गए थे उनका भी आप एक और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं गैलेक्सी बॉल्स बना रही हूँ, तो सारे के सारे आपको ले लेने हैं, एक साथ मिला देने हैं, इसके बाद उनके लड्डू बना लेने हैं और उसके बाद क्रीम का एक एक फ्लावर आप उनके ऊपर बना दें। तो जो बचे हुए क्रम्स होते हैं उनका ये बेस्ट यूज़ है।
बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो जब तक केक नहीं करता है एटलीस्ट बच्चों की टेस्ट बड जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, आप उनको ये दे सकते हैं, विच आई डिड दैट डे। तो अब है बारी केक कटिंग की। तो फ्रिज में रख दिया था मैंने केक और अब मैं इसको निकालूंगी एंड देन वी विल कट केक। और 11th एनिवर्सरी हमारी जैसे बताया था, और पता ही नहीं चला कहाँ चला गया टाइम इतनी जल्दी, 11 साल हो गए। और हमेशा एनिवर्सरी वाले दिन जो है वो पुरानी बातें याद आती हैं कि इस टाइम ये हो रहा था, उस टाइम वो हो रहा था, अब फेरे हुए थे, अब जयमाल पड़ी थी, तो बस वही सारी बातें होती हैं, घर से बात होती हैं, सबका वही जिक्र होता है। तो बस ऐसे ही कट जाइए ज़िंदगी हंसते खेलते। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और शाम को हमने ठीक ठाक खाना बना लिया था बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी। तो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा कि डिनर में हमने क्या बनाया था और हमने क्या क्या मस्ती की थी। तो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज अद्वी के चैनल पर भी वीडियो आई है तो प्लीज़ आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपका मन करे तो, और उसकी जो लेटेस्ट वीडियो है उसको भी देखें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके चैनल का लिंक भी और उसकी नई वीडियो का लिंक भी। तो जैसे आपका मन करे तो आप एक बार देखना ज़रूर। और उसे बड़ा शौक लगता है कि हाँ मम्मा कितने व्यूज़ हो गए, कितने लोगों ने देखा। तो चलिए यहाँ पर केक हमारा कट हो गया, एक दूसरे को खिला दिया है एंड थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी विशेस भेजने के लिए। और आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज ऑफ दिस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।